if the non-parallel sides of a trapezium are equal, then it is cyclic. भाई साहब आपको पता है ट्रेपेजियम की शेप ऐसी होती है कुछ, हाँ, ए बी सी एंड डी, अगर कहते हैं इसके नॉन पैरेलल साइड ये होती है और ये क्या होती है, तो कहते हैं अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो ये पक्का साइक्लिक होगा। साइक्लिक का मतलब ये नहीं होता कि उसके आसपास चंद्रमा की तरह सर्कल बने हुए हो। हमें पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स क्या प्रूव करने हैं, बस और कुछ नहीं। ये डबल स्टार क्वेश्चन मार्क कर लो, डबल स्टार कैटेगरी बहुत पेपर में आता है ये क्वेश्चन। गिवन ले एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, टू प्रूफ एबीसीडी इज साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक का मतलब That is angle A plus angle C is equal to, और याद है हमने डेफिनेशन में क्या बोला था, either pair, either pair, कोई भी एक पेयर करो दूसरा पेयर तो अपने 180 होगा, एंगल समरूपता 360 होती है, कोई एक पेयर करो दूसरा पेयर अपने आप ही होगा, हमें कराने की जरूरत नहीं है। आइएगा अब आते हैं, एक इसकी कंस्ट्रक्शन आपको याद रखनी है, ड्रॉ CM परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर टू AB। मैंने बच्चे यहां से एक परपेंडिकुलर, यहां से एक परपेंडिकुलर, बोलो कोई दिक्कत है, बोलिए। अच्छा बच्चा बच्चा जानता है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल, सेम होता है ना, तो ये परपेंडिकुलर इक्वल ही होंगे, ट्रेपेजियम में हाइट एक ही होती है, चाहे यहां लगाऊं चाहे यहां, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, ये सुन रहा हूं, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब आ जाते हैं इसके प्रूफ में, इन ट्राइंगल ए डी एन एंड ट्राइंगल बी सी एम, बी सी एम हमारा स्कूल आ गया है भाई, बहादुर चंद मंजाल आ गए जी। सबसे पहली बात, DM इज इक्वल टू CM, क्या लिखोगे, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, कोई भी बात लिखोगे सही है। आगे AD इज इक्वल टू BC, क्या रिदम, इज इट ओके बच्चा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ईच, therefore triangle ADN is congruent to triangle by RHS, लगी कि नहीं लगी, by RHS congruency। जैसे ही ये लगी, जैसे ही ये लगी, मैंने क्या रिजल्ट ड्राइव करने की कोशिश की, एंगल A इज इक्वल टू एंगल, अब ये पूछोगे क्यों, मैं रीजन बताता हूं थोड़ी देर में, CPCT रिजल्ट, इसको लो क्वेश्चन नंबर, आइएगा What is angle B plus angle C? क्यों? क्या बात है? Angle B plus angle C is equal to co interior using equation number 1. B की जगह क्या रिप्लेस कर दूं? हाँ जी ठीक है, यही प्रूव करना था। This implies ABCD is cyclic. ठीक है जी, करिए नोट।